हे दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले जब हमने कट कॉपी पेस्ट का यूज कैसे करना है वो सीखे थे, आज हम टेक्स्ट एडिटिंग का ये सब टूल्स है इसके बारे में सीखेंगे। फॉन्ट, ये फॉन्ट सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन के बारे में सीखेंगे। फॉन्ट सेक्शन में यहाँ भी एक एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में दिया है, हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। अभी इसको ओके करते हैं। तो दोस्तों, ये टेक्स्ट हमने ओपन किया है, आपको फिर से ओपन करके दिखा दे रहे हैं कैसे ओपन करना है। इसको डिलीट करने के लिए दोस्तों एक साथ कंट्रोल ए करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो जैसे हमको टेक्स्ट ओपन करना है तो शॉर्टकट की हमने पहले बताया था, आपने नहीं देखा है तो हम फिर से दिखा रहे हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे, आर ए एन डी करेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे रेडीमेड टेक्स्ट जनरेट हो जाते हैं। दोस्तों, इसका यूज हम आज फॉन्ट का यूज कैसे करना है इस टेक्स्ट पे प्रैक्टिस करके दिखाएंगे आपको। जैसे ही हम ये सिलेक्ट कर लिए, इतना इतना टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलिबरी बॉडी दिखा रहा, मतलब दोस्तों ये फॉन्ट है। आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स रहते हैं रेडीमेड, तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप अपनी पसंद का सिलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे फॉन्ट चेंज हो गया, और यहाँ से आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों है ये ग्रो फॉन्ट कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट और बड़ा हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो फॉन्ट की साइज ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी। आप एक तो यहाँ से फॉन्ट साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं कि यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एक डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ते जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा है, छोटा करना है, डिक्रीज द फॉन्ट साइज, इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये फॉन्ट छोटा होता जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ए एक इधर लिखा हुआ है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ का इसका सेंटेंस केस चेंज कर सकते हैं। जो लिखा है उसको किस रूप में चाहिए, सेंटेंस केस चाहिए, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, टोगल केस। तो जैसे आप सेंटेंस केस करेंगे तो पहला टेक्स्ट कैपिटल में हो जाएगा, हम यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं। सेंटेंस केस पे क्लिक किए तो पहला जो है वो कैपिटल रहेगा, सेंटेंस के रूप में रहेगा, और दूसरा जब लोअर केस करेंगे तो सभी टेक्स्ट लोअर केस में हो जाएंगे। आप देख रहे हैं लोअर केस हो गए, कोई भी कैपिटल नहीं है पहला टेक्स्ट। उसके बाद में है अपर केस, अपर केस पे आप क्लिक करेंगे तो जितने टेक्स्ट हैं सब अपर केस में हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। आप देख रहे हैं सब कैपिटल हो जाएंगे। मैं फॉन्ट साइज बड़ा करके दिखाता हूं आपको। फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी जाके बड़ा होगा। आपने 18 रख दिया हमने, और यहां से स्क्रॉल करके आप ऊपर कर सकते हैं। तो आप देखिए ये अपर केस हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक वर्ड जो रहेगा तो ये कैपिटल हो जाएगा। सभी जो पहला वर्ड है वो एक वर्ड कैपिटल हो गया, देख रहे हैं आप सब कैपिटल हो गया है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है। उसके बाद में टॉगल केस है, पहला वर्ड टेक्स्ट रहेगा जो वो छोटा रहेगा, स्मॉल एकदम, आप देख रहे हैं। सिलेक्ट नहीं किया था हमने, सिलेक्ट करके करेंगे तो सब में अप्लाई हो जाएगा। टॉगल केस करेंगे तो आप देख रहे हैं टॉगल केस हो गया सब। पहला टेक्स्ट देखिए आप, टी, इसमें ओ, इसमें टी, तो सब में टॉगल केस हो गया है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट की केस चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टेक्स्ट की केस कैसे चेंज करना है। इसको हम नॉर्मल में कर देते हैं सेंटेंस केस में, आप देख रहे हैं सेंटेंस केस में कैसा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे बी है, बी मतलब बोल्ड, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। जैसे कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है कि वो डार्क दिखे, हाईलाइट दिखे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये
बोल्ड हो गया इतना, जितना सिलेक्ट करेंगे उतना बोल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बहुत छोटा दिखा है, इस पर क्लिक किए बोल्ड हो गया। आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट नहीं, क्योंकि हमने सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट किया था। उसके बाद है दोस्तों इटैलिक, इटैलिक आई शॉर्टकट बटन है इसका। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास जो यहाँ पे टेक्स्ट रहेंगे वो इटैलिक में हो जाएंगे, स्टाइल इसका चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, जिसको इटैलिक बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अंडरलाइन है, जैसे ही अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। आप देख रहे हैं अंडरलाइन आ गई है। अगर इसको हटाने का अंडरलाइन, तो आप उसी पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एरो है, इसके अंदर बहुत सारे अंडरलाइन हैं अलग अलग स्टाइल में। तो आपको इसमें से कौन सा अंडरलाइन चाहिए आप वो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये अंडरलाइन थोड़ा स्टाइल में है, डबल लाइन में चाहिए अंडरलाइन, तो आप देख रहे हैं डबल लाइन में हो गया है। उसके बाद में है बहुत सारे इधर दिए हुए हैं, और भी अंडरलाइन पे आप जाना चाहते हैं तो मोर अंडरलाइन पे क्लिक करिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसमें दिए हैं। अभी ये ओपन हो गया है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बता देते हैं। यहाँ से भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं। और यहाँ पे फॉन्ट है सब अलग अलग, जो आप सेलेक्ट करेंगे, और फॉन्ट का कलर है ऑटोमेटिक है, या यहाँ से आप कोई फॉन्ट का कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। अंडरलाइन ऑटोमेटिक है, या कौन सी कलर की चाहिए वो दे सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो है, ये सब ऑप्शन है, अभी वहाँ पे भी है, पहले यहाँ वहाँ पे सीखेंगे। इसको ओके करेंगे आप जैसे ही, तो आप देख रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किया था वो आ गया यहाँ पे।